दोस्तों, हम सभी ने रिसेंट टाइम में साउथ की सुपरहिट पैन इंडिया फिल्में जैसे पुष्पा, केजीएफ चैप्टर 2, ट्रिपल आर और विक्रम जैसे सिनेमाघरों में देखी, जिन्होंने हमें एक अलग ही सिनेमा का एक्सपीरियंस दिया। हालांकि मुझे दुख हुआ यह देखकर कि यह सभी फिल्में साउथ में ही बन रही है। बॉलीवुड की तरफ से कोई भी ऐसी पैन इंडिया फिल्में नहीं बन रही है जो कि दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। रिसेंट टाइम में सम्राट पृथ्वीराज, रॉकेटरी द नंबी नारायण इफेक्ट और शमशेरा जैसी पिक्चर पैन इंडिया रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग सकी और डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों, इसी बदनामी को दाग को धोने के लिए बॉलीवुड की तरफ से कुछ पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो रही है जो जरूरी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई करेंगी और सभी ऑडियंस को पसंद भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज ब्रह्मास्त्र। मेथोलॉजिकल फैंटेसी पर आधारित इस फिल्म को लिखने में ही आयान मुखर्जी को 6 साल से ज्यादा का वक्त लग गया है। ब्रह्मास्त्र आने वाली टाइम की बॉलीवुड की तरफ से हाई बजट मूवी होने वाली है, जिसको कि बनाने में ही 300 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागा अर्जुन, अमिताभ बच्चन और मोनी राय स्टारर इस फिल्म में दिखे हैं। फिल्म की VFX हॉलीवुड को टक्कर दे रही है। फिल्म को 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट इज लाल सिंह चड्ढा। हम सभी जानते हैं कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड कहते हैं, क्योंकि आमिर खान ऐसी पिक्चर लेकर आते हैं जो कि बॉलीवुड में कमाई करने के नजरियों से सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आमिर खान 4 साल बाद हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाले हैं। फिल्म के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान और तेलुगु एक्टर नागा चैतन्य भी नजर आने वाले हैं। और फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी संभाली है अद्वैत चंदन ने, जो इससे पहले आमिर खान के साथ सिगरेट सुपरस्टार जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। वैसे फिल्म 11 अगस्त को हिंदी सहित तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या यह आमिर खान की फिल्म बॉलीवुड को फिर से पटरी पर ला पाएगी या नहीं। नेक्स्ट इज पठान। अगली पैन इंडिया फिल्म होगी शाहरुख खान की तरफ से पठान, जिसका इंतजार शाहरुख खान के फैंस ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड कर रहा, क्योंकि शाहरुख खान एक बार फिर से एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म के लीड कास्ट में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाले हैं। जॉन अब्राहम और शाहरुख खान को एक साथ बड़े पर्दे पर फाइट करते हुए देखकर सोचो क्या तबाही मचने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो होने वाला है, जो कि सोने पे सुहागा से कम नहीं होगा। वैसे आपको बता दूं, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बैंग बैंग और वॉर जैसी स्पाई एक्शन मूवी बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। निश्चित ही इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान एक बार फिर से बॉलीवुड में दबदबा बनाने वाले हैं। नेक्स्ट इज टाइगर 3। जहाँ एक और शाहरुख खान पठान जैसे फिल्में लेकर आ रहे हैं, वहीं अपने सलमान भाई कहाँ रुकने वाले हैं, वो भी टाइगर 3 के जरिए एक बार फिर से बॉलीवुड पर धाक जमाने आ रहे हैं। जी हाँ, सल्लू भाई की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी नजर आएंगी। टाइगर 3 सलमान खान की स्पाई एक्शन मूवी सीरीज एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की अगली पार्ट होगी, जिसमें कि पहले 2 पार्ट्स की तरह ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। हिंदी सहित तमिल और तेलुगु में बन रही इस फिल्म में एक बार फिर से सलमान खान रॉ एजेंट के भूमिका में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज जवान। शाहरुख खान और डायरेक्टर अतुल कुमार की यह फिल्म हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। बात करें फिल्म के लीड कास्ट की, तो इसमें शाहरुख खान के साथ साथ नयनतारा, विजय सेतुपति और सानिया मल्होत्रा नजर आएंगी। फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर को देखने से लगता है इस बार एसआर के अंडरवर्ल्ड एजेंट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म को 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट इज आदि पुरुष। बाहुबली प्रभास की पैन इंडिया मूवी आदि पुरुष बॉलीवुड की आने वाली टाइम की एक बिग बजट फिल्म है, जिसका बजट 500 करोड़ होने वाला है। यह फिल्म इसलिए भी सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसकी स्टोरी रामायण पर बेस्ड होने वाली है। साथ ही आदि पुरुष में प्रभास भगवान राम का, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन सीता की और लंकेश रावण के किरदार में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे निर्देशक ओम राउत, जो इससे पहले अजय देवगन के साथ तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी सुपरहिट फिल्में पहले ही बना चुके हैं। वैसे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। अगर बॉलीवुड की तरफ से यह फिल्म नहीं चली तो फिर कोई भी डायरेक्टर इतनी बड़ी भारी बजट की फिल्म बनाने से पहले जरूर सोच में पड़ जाएगा। वैसे तो फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंग्लिश सहित मल्टीपल लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे कि फिल्म के हिट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड की यह पैन इंडिया फिल्में बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा और ट्रिपल आर जैसी कमाई कर पाएगी? अगर हाँ, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं इनमें से किस फिल्म का आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। बाकी बॉस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।